नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना के चैनल इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। परिवर्तनी एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है और इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी के बारे में। तो परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा, इस कथा को पढ़ने और सुनने से ही हो जाता है सभी पापों का प्रायश्चित। परिवर्तनी एकादशी का व्रत आज रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में चातुर्मास की निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इस दिन विष्णु भगवान का व्रत करके विधि विधान से पूजा करने और व्रत का पाठ करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को जल धूनी एकादशी, पद्मा एकादशी भी कहता है। तो आइए आपको बताते हैं हम परिवर्तनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा विस्तार से। परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन देवता है, कैसी विधि है और यह बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महाराज महात्मा नारद जी से कहा था। तो नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुमने यह बहुत ही उत्तम बात पूछी है। क्यों ना वैष्णव जो ठहरो, भादो के शुक्ल पक्ष के एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। इसे परिवर्तनी एकादशी, जल धूनी एकादशी भी कहा जाता है। उस भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्य वंश में मान्यता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राजर्षि हो गए। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी, व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मान्यता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा न हुई, तो इससे उसकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, जब से आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। प्राणों में मनुष्य पुरुषों ने जल को नारा कहा है, वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए ही नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ रूप होकर वर्षा करेंगे, वर्षा से अन्न पैदा होगा, अन्न से प्रजा जीवन धारण कर सकती है। तो हे नृपशेष, इस समय अन्न के बिना प्रजा का पालन हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो सके। तो राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है और अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार से ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता हूँ। ऐसा निश्चय करके राजा मान्यता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ लें विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहाँ जाकर मुख्य मुख्य मुनियों तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अक्रिय ऋषि के दर्शन में उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े। इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंकों की कुशल पूछे।
राजा ने अपने कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा तो मुनि ने राजा को आसन और अग्र दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इसके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है और बात मैं भी नहीं जानता। तो ऋषि बोले, राजन, ये सब युगों में उत्तम सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में ये शुद्ध तपस्या करता है, इसी कारण मैं पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। तो राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। तो ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से नीचे ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। तो ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट गया और इनको उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ भादो के शुक्ल पक्ष के पद्मा एकादशी का व्रत किया। और इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। न दान करते समय निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संघ कर अगो संक्षय कृत्वा सर्वे सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चेम लोका नाम सुखदायक है। तो ये थी आज की बुद्ध श्रवण नामक धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है। नमस्कार, मेरी पाप राशि का नाम करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करके आप पुण्यात्माओं को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सुखदायक है। राजन, ऐसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये थी आज की कथा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए। रीना किचन एंड इंडियन कल्चर पर। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं और सभी जो भी मांगलिक और वैवाहिक कार्य होते हैं वो आज से शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ ही जो भी व्रत एकादशी का व्रत किया जाता है, उदया तिथि में जो तिथि होती है वही सर्वमान्य तिथि होती है जिस समय सूर्य उदय होता है। तो आज है देवउठनी एकादशी, जो कि शाम को 6:08 तक रहेगी और काफ़ी लोग जो लोग व्रत और उपवास रखते हैं उनको नियमों का पालन जरूर करना होता है। कुछ व्रत के नियम अलग होते हैं, कुछ उपवास के नियम अलग होते हैं। तो खान पान से संबंधित हम बात करते हैं कि एकादशी के व्रत में आलू खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। आमतौर से बनाई जाने वाली सब्जी जो व्रत में काफ़ी लोग प्रयोग में लेते हैं, काफ़ी लोग व्रत में जो सब्जी बनाई जाती है उस सब्जी के दौरान व्रत में आलू का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो अगर जो भी आप सब्जी बनाते हैं, कुछ भी चाट वगैरह बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो आलू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। हालांकि काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता इस बारे में, तो मैं ख़ास तौर पर बता देती हूँ कि आलू के अंदर अगर आप सुई चुभोते हैं तो उसके अंदर काफ़ी जीवाणु और कीटाणु होते हैं। और एकादशी का व्रत एक सात्विक व्रत है, यहाँ तक बताया गया है। एकादशी के व्रत के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो झाड़ू तक नहीं लगाते और जो नीम की दातुन है वो तक नहीं करते, वृक्ष से पत्ता तक नहीं तोड़ते हैं। तो
तो आप ये कैसे कह सकते हो कि व्रत के अंदर काफ़ी लोग जो लोग आलू खाते हैं, तो प्लीज़ आज से ही खाना बंद कर दीजिए। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आते हैं कि नमक हम नहीं खाते, सेंधा नमक खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, तो नमक के लिए भी काफ़ी वीडियो मैंने बना रखे, तो भी काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि एक बार मुझे लाइव बना के ही वीडियो को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हर तरीके से एक ही वीडियो को हम बार बार नहीं बना सकते, आपको पुराने वीडियो ही देखने पड़ेंगे। तो ये जानकारी अगर आपको थोड़ी सी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और देवउठनी एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जो योग निद्रा में रहते हैं वो नींद से जाग जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। आप चाहे तो कॉपी पेन लेकर भी नोट कर सकते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और बहुत से लोग रहते हैं कि कुछ चीज़ें खाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम लागू होते हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्र तो सभी जगह एक ही बने। जो संस्कृत जो शास्त्र हैं वो एक ही जगह बने और उनकी जो बात है वो सबको माननी होती है, उससे हटके कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि एकादशी के व्रत में सबसे पहले तो किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप निराहार व्रत रखकर व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो एक बार भोजन भी कर सकते हैं, इस दिन दूध या जल का सेवन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एकादशी के व्रत में शकरकंदी, कुट्टू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, साथ ही साथ दूध, बादाम, अदरक और चीनी आदि चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन ना करें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करना चाहिए। नींबू, जामुन, आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से बार बार कुल्ले कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु भगवान को मीठा पान चढ़ाया जाता है तो इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इन फलों का सेवन आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो सूखे मेवे हैं उनको जैसे बादाम, पिस्ता इन सब चीज़ों को आप खा सकते हैं। एकादशी की तिथि पर जो बैंगन और सैंपली नहीं खाना चाहिए। उस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए, मांस, मदिरा, अन्य कोई नशीली पदार्थ का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर ही हमें ग्रहण करना चाहिए और तुलसी दल को छोड़कर, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। साथ ही साथ ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो एकादशी का व्रत में शाम को आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज है 2 जून, अपरा एकादशी, और अपरा एकादशी के व्रत में शाम को जैसे सबसे ज़्यादा एकादशी के व्रत में फल खाना शुभ माना जाता है। वैसे तो अगर आप एकादशी का व्रत करें तो व्रत के दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यहाँ तक कि नमक का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप पानी पर ही जो व्रत रखते हैं वही सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में शाम को आप जैसे सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश भी खा सकते हैं, दूध आप ले सकते हैं। इसके साथ ही जो व्रत में खाए उपवास में खाई जाने वाली चीज़ें हैं वो सब आप खा सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो चीज़ें एकादशी के व्रत में जैसे फल आप खा सकते हैं, चीनी खा सकते हैं, और अगर आप कुट्टू का आटा खाते हैं तो कुट्टू का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्ची और सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। लेकिन काफ़ी लोगों का मानना रहता है कि नमक बिल्कुल भी व्रत में नहीं खाना चाहिए, तो वाकई में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि एकादशी के व्रत में आपको मैं बता देती हूँ कि एकादशी के व्रत में
व्रत कब खोलना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए, आपको व्रत कब खोलना चाहिए। तो एकादशी का व्रत आपको सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक एकादशी का व्रत होता है। तो अगले दिन सुबह तक जो एकादशी की पहली अवधि है उसी के दौरान आपको व्रत खोलना है। द्वादशी शुरू हो जाती है तब आप जो पहली अवधि है पहला पहर होता है उसी के दौरान व्रत खोलना चाहिए, दूसरे पहर में व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत के पहले दिन जैसे दशमी को ही आपको कोई भी व्रत मतलब कोई भी जैसे आप प्याज लहसुन वगैरह बिल्कुल ही इनका सेवन ना करें। दूसरे दिन द्वादशी को जैसे जो गेहूँ मूँग सेंधा नमक काली मिर्च शर्करा का भोजन ले सकते हैं दशमी तिथि को। दस फलाहारी को गोभी गाजर शलजम पालक का साग का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है आम अंगूर केला बादाम पिस्ता इन अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी हम लोग से स्वागत करती हूँ। तो एकादशी के व्रत में क्या आप सेंधा नमक खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इस वीडियो में आपको दी जाएगी पूरी जानकारी। तो देवउठनी एकादशी जो कि आज 4 नवंबर 2022 को है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी आती है। जो दिवाली के बाद में जो पहली एकादशी वो देवउठनी एकादशी ही आती है। साथ ही साथ आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि एकादशी के व्रत में सेंधा नमक क्यों नहीं खाते हैं। किसी भी व्रत में हमें नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बिना नमक का व्रत वो ज़्यादा फलदायी रहता है और हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है कि नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि सेंधा नमक व्रत में खा सकते हैं। जैसे कुछ भी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, आलू की सब्जी बनाते हैं या सिंगाड़े की या साबूदाने की कुट्टू के आटे की किसी भी चीज़ की बनाते हैं तो उसमें नमक का प्रयोग ना करें। तो फिर काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम हम क्या बनाकर खाएं, तो आप व्रत का मीठा भोजन बनाकर खा सकते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो गुरुवार के व्रत में आपने देखा होगा कि मीठा भोजन ही बनाते हैं, लेकिन व्रत के अंदर व्रत और उपवास दोनों में डिफरेंस होता है। व्रत में एक समय भोजन किया जाता है यानी अन्न का सेवन किया जाता है, लेकिन जो उपवास करते हैं तो देवउठनी एकादशी का उपवास किया जाता है। उपवास के दौरान आप नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। उपवास में एक समय फलाहार किया जाता है और काफ़ी लोगों का मानना तो यह भी रहता है कि अगर व्रत किया जाए पूर्ण श्रद्धा से तो कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप चाय दूध इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अगर दूसरी चीज़ जैसे जो पीने वाली चीज़ें होती है काफ़ी लोग उसी पे ही व्रत करते हैं। कुछ लोग खाने की चीज़ें जैसे फलाहार बनाकर खाते हैं, काफ़ी लोग फ्रूट पे करते हैं। तो जैसा आपकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से करना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये सलाह नहीं देती हूँ कि आप नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो कई दीदी मुझे कमेंट करके बोलती है कि हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो उस जगह पे आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो एकादशी के उपवास में आप नमक का प्रयोग ना करें, लेकिन एकादशी का काफ़ी लोग जो कर नहीं सकते हैं वो व्रत भी कर सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी ना बरतें। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है एकादशी। एकादशी का दिन सबसे ज़्यादा खास माना जाता है क्योंकि एकादशी का व्रत हमें महीने में दो एकादशी आती है, एक तो कृष्ण पक्ष की एक है शुक्ल पक्ष की। तो एकादशी के व्रत में सभी महिलाएं का अधिकतर तो महिलाएं व्रत करती हैं एकादशी का व्रत। तो एकादशी के व्रत में क्या महिलाएं बाल धो सकती या नहीं धो सकती, तो एकादशी के व्रत में महिलाओं को बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। कुछ ऐसे दिन बनाए गए हैं जिन दिनों के अंतर्गत आपको महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। एक दिन एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, चतुर्थी के दिन, और जिन माओं की एक संतान होती है, एक पुत्र होता है, उनको बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, शनिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो काफ़ी नियम हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। साथ ही साथ आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर महिलाओं को एकादशी के व्रत में बिल्कुल भी बाल नहीं धोने चाहिए। अगर गुरुवार का दिन पड़ता है तो आपको बुधवार के दिन ही बाल धो लेने चाहिए। साथ ही साथ
हमें इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। और एकादशी के व्रत में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी अपने बाल खास तौर पे नहीं धोने चाहिए। ये नियम महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी लागू होता है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा खास माना जाता है और एकादशी के व्रत में खास पुरुषों को और महिलाओं दोनों को बाल नहीं धोने चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार साधक द्वारा एकादशी व्रत रखने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती है और व्यक्ति को पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। आज यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन युग्नि एकादशी का व्रत रखा जाता है। वहीं एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है, जो कि व्रत का पारण और नियम बहुत ही खास माना जाता है। और ये नियम कुछ खास नियम होते हैं जिनको साधक को जरूर मानना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण हरि वास समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। साथ ही व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें मध्यान्ह अर्थात दोपहर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। सुबह यदि ऐसा नहीं कर पाए तो मध्यान्ह के बाद पारण करना नहीं चाहिए। व्रत पारण के समय भोजन में भूल कर भी मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन या प्याज आदि का प्रयोग ना करें। साथ ही सात्विक भोजन का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जो भी लोग एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच शुभ माना गया है और इस अवधि में व्रत पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत के समय साधकों को कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। तो आज हम जानेंगे कि योगिनी एकादशी के व्रत का पारण कितनी बजे से कितनी बजे तक करना है। तो योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से और उपवास रखने से साधक को मृत्यु के उपरांत श्री हरि के चरणों में स्थान की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन माना जाता है और इसके नियम भी कुछ खास होते हैं जिन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो योगिनी एकादशी हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और शास्त्रों के अनुसार साधक द्वारा एकादशी व्रत रखने से उनके जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को सभी पुण्य के समान फल की प्राप्ति भी होती है। इसी के साथ ही ज्योतिषाचार्यों के अनुसार अलग अलग समय बताया गया, लेकिन योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच शुभ माना जाएगा और इस अवधि में व्रत पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत पारण के समय साधकों को कुछ खास नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत का पारण हरि वास समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। साथ ही व्रत तोड़ने के लिए कुछ खास नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी व्रत का पारण कर रहे हैं उनको दिन के समय में पारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ हिंदू धर्म में इसको या जो कृष्ण पक्ष के एकादशी उसका सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। आज यानी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि के दिन ही योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है, इसीलिए ये दिन सबसे ज़्यादा खास माना गया है। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में। हरे कृष्णा।